देहरादून में सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। हरिद्वार को 120 करोड़ के मिले सौगात, सीएम ने किया 16 योजनाओं का शिलान्यास, 528 फ्लैट की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। जून में उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, प्रदेश प्रवक्ता ने दिए दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। देहरादून से है, सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर, चार धाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सतपाल महाराज बैठक में मौजूद है, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल है इस बैठक में। शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर हो सकती है फैसले, और सीआरपी बीआरपी के पदों पर की भर्ती को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर, चार धाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से है, बैठक जारी है और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सतपाल महाराज बैठक में मौजूद है, साथ ही धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल है। शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर भी हो सकते हैं फैसले, और सीआरपी बीआरपी के पदों की भी भर्ती को लेकर हो सकता है फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर, और चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी, और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सतपाल महाराज बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर, चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सतपाल महाराज बैठक में मौजूद हैं, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल हैं, शिक्षा विभाग में वही भर्ती को लेकर भी हो सकते हैं फैसले। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट की बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर, चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सतपाल महाराज बैठक में मौजूद हैं,
धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल है इस बैठक में। शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर हो सकती है फैसले, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट की बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है इस बैठक में मुहर। आपको बता दें, चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा, साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और इस बैठक में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें, चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल है इस बैठक में। शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर भी हो सकते हैं फैसले इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड के देहरादून से बता रही हूं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और इस बैठक में सीएम धामी के बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज बैठक में मौजूद है, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल है। शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर भी हो सकते हैं फैसले, सीआरपी बीआरपी के पदों की भी भर्ती को लेकर होगा फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और यह बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में रखी गई है। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। चारधाम यात्रा में सुविधा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है और मैदानी इलाकों में पारा एकदम से 40 के पार पहुंचने लगा है। हालांकि पहाड़ों में राहत है, लेकिन अब एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों में अधिकतर जिलों में आगामी 19 मई तक बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज गर्जना और व्यवस्था बहुत अच्छी है। केदारनाथ का जो 2013 में बहुत अच्छा बड़ा उसको लेके अनहोनी हुई थी, आज वो व्यवस्था बहुत मेंटेन कर ली गई है सरकार द्वारा, आगे और भी मेंटेन की जा रही है और यहाँ आने वाले समय में पुलिस का व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। प्रशासन हर चीज अच्छा है, ठीक है, जो नहीं है वो कुल मिला के कुछ दिनों में और सही हो जाए। मैं भोपाल से आया हूँ, देर साहू, मैं भोपाल से आया हूँ, साथ में ही तीनों हूँ, गौरव वाजपेयी भोपाल से। यहाँ पे बात करें तो कंडीशन यहाँ पे जो भी है, पुलिस व्यवस्था वगैरह बहुत सही है, हाइजीन बहुत सही है, इधर की व्यवस्था या साफ सफाई बहुत सही कर रहे हैं लोग। और दर्शन की बात करें तो पूरी फैसिलिटी के साथ आपको दर्शन कराए जा रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और बस और व्यू तो आप देख ही सकते हो कितना प्यारा। रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होना चाहिए, नीचे से आप वेरिफिकेशन करा के ऊपर आके टोकन लीजिए और फिर आराम से आप चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकुर महाजन है, मैं पंजाब चंडीगढ़ से आया हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी तो स्नोफॉल बढ़ रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे बात करें यहाँ की व्यवस्था की तो अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे रास्ते में बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है, ठीक है, बाथरूम वगैरह क्लीन है, पानी की व्यवस्था अच्छी है। बम भोले जी, जो भी मेरे सर के साथ जो आ रहे हैं केदारनाथ, सब में उनका स्वागत है। ये मैं आप मेरी बात थोड़ी सी व्यवस्था पे, यहाँ की व्यवस्था, जब से हमने यात्रा अपनी शुरू की तो वहाँ पे देखा मैंने, हमारी यात्रा शुरू हुई थी करीब 6 बजे की, करीब वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे 5 से 6 बजे की, 6 बजे से पहले की बात है, वो भाई साहब सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं 6 बजे, बंदे साइड पे लाइन पे खड़े हैं, जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ वहाँ से गंदगी उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता गंदगी में कुछ ये चाहिए स्पेशल, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ लेके जा रहे हैं भाई। हम जो चाय पीते हैं उसका वो भी फेंक देते हैं, वो हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमारी गलती है, लेकिन मैंने नहीं फेंका, लेकिन सब में मैं भी हूँ,
ठीक है, वो हमें नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े दिन यहाँ पे भी है, हर जगह आपको हर 100 मीटर के पास कूड़ा दिन मिलेगा ही मिलेगा। आप थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ भी उसको फेंक सकते हैं। एक साथ आए हैं, मेरा नाम सरिता है। मेरा नाम कुणाल है। मेरा नाम यशिका है। देशराज। हर हर महादेव। हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे हुए। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और हमारे डॉक्टर बहुत प्यारे हैं। मैं इलाज भी कर दिया है। और भाई बहुत अच्छा मेडिकल है भाई, बहुत बढ़िया, सब मजे आ गए, बहुत प्यार से बात करते हैं, काफी अच्छे लोग हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल स्टेडियम मनेरा का औचक निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने कहा कि जनपद में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जरूरत है उनको सामने लाने की, जिसके लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने जनपद में युवाओं के खेल में रुचि रखने पर खुशी जाहिर की। आज उत्तरकाशी में मनेरा स्टेडियम को निरीक्षण करने का एक विचार आया और निरीक्षण के दौरान मैं बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ पर लड़कियाँ लगातार खेलने आती हैं, चाहे वो हैंडबॉल के लिए आती हूँ, चाहे वो हॉकी के लिए आती हूँ, चाहे वो फुटबॉल के लिए आती हूँ। तो लड़कियों का खेल के प्रति बढ़ता उत्साह अपने आप में साफ संदेश है कि अभिभावकों ने अब अपने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब खेल के दृष्टिकोण से बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करने लगे हैं और यह देखते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। और हॉस्टल की हमारी जो लड़कियां यहाँ पर खेल रही थी उनसे भी वार्तालाप हुई, तो हॉस्टल के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार उनको किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है और अथवा उनकी क्या अपेक्षा है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे तापमान का मुख्य कारण जंगलों में लग रही आग को भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में शुष्क हवाएं भी चल रही है, जिससे आग के लपेटे रफ्तार पकड़कर सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 23 से ज्यादा स्थानों पर जंगल सुलग रहे हैं। वहीं वनिग्नि एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में गढ़वाल में वनिग्नि की 5, कुमाऊं में 1 और संरक्षित वन जीवन वही क्षेत्रों में 1 घटना दर्ज हुई है। इसमें 25 हेक्टेयर से अधिक जंगल को नुकसान पहुंचा है। आप लोगों को अवगत है कि हम लोग हर दिन जो है एक फायर बुलेटिन भी जारी करते हैं शाम को 4 बजे के आसपास। तो पिछले 24 घंटे का जो अभी एक तो फायर बुलेटिन आज आएगा, अभी 4 बजे आएगा, लेकिन जो कल का है उसके हिसाब से हमारी 7 घटनाएं हुई थी लास्ट 24 आवर्स में, जिसमें कि जो है प्रभावित क्षेत्रफल 7.3 हेक्टेयर था। और ये घटनाएं जो है 5 घटनाएं जो हैं गढ़वाल में थी, 1 घटना जो है वो कुमाऊं में थी और 1 घटना जो है वन्य जीव क्षेत्रों में थी। लेकिन अब तक अगर हम कुल बात कर लें तो कुल हमारे जो है वो 331 घटनाएं हो चुकी हैं इस वनाग्नि सत्र में। 1 नवम्बर से हम लोगों ने ये डेटा जो है कंपाइल करना शुरू किया है और जिसमें हमारा कुल प्रभावित क्षेत्रफल जो है 405.31 हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, मगर हरिद्वार में इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा ने अवैध अतिक्रमण पर की जा रही को पक्षपात की कार्रवाई बताते हुए मेयर की अनुमति के बिना नगर निगम आयुक्त द्वारा सामाजिक संस्थाओं को दी गई है भूमि से अतिक्रमण को हटाया था, जिसके बाद बीजेपी पार्षद खुलकर मेयर के विरोध में खड़े हो गए हैं और शासन से मेयर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नगर निगम पार्षद अनिरुद्ध भाटी का कहना है कि मेयर अनीता शर्मा का 4.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। मेयर पति अशोक शर्मा ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कठपुतली बना दिया है। उनका उद्देश्य जनता के समस्या का समाधान करना नहीं है, बस जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मेयर के पास हरिद्वार के विकास का कोई विजन नहीं है और हरिद्वार नगर निगम द्वारा सामाजिक संस्थाओं को अच्छा कार्य करने को लेकर दी जाने वाली जमीन से हटाने का कार्य कर रहे हैं। मेयर महोदया का पूरे 4.5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और जो उनका काम करना था उन्हें वो उसमें विफल साबित हुई है।
और उनके पति ने उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कठपुतली बना दिया है। उनका उद्देश्य जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना नहीं है, अपितु लोगों को भ्रमित करते हैं, वो अराजक स्थिति फैलाते हैं, क्योंकि उनका ना तो कोई विकासवादी सोच है ना कोई हरिद्वार के लिए विजन है। उन्होंने जो भी कोई शहर में अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग रिंग बन रहा है, कोई वाटिका बन रही है, उस पर वो जाके कुठाराघात करते हैं। लेकिन जो अवैध कब्जे हैं, उन्होंने आज तक जितनी भी लीज पे हमारी भूमि गई हुई है उसकी वापसी का कोई प्रयास नहीं किया। भगवानपुर रोड के रेंज के मानक माजरा बाजार में आम के बाग में रखवाली कर रहे तीन मासूमों को आदमखोर गुलदार ने पूरी तरह जख्मी कर दिया। आदमखोर गुलदार के हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल तीन लड़के अपने बाग की रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक पास की नदी से गुलदार आया और तीनों मासूमों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि 18 वर्षीय नवाब नाम के लड़के के हाथों में दांत गड़ा दिए और पूरा शरीर पूरी तरह से जख्मी कर दिया। वहीं तीनों युवक इस कदर जख्मी है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी उनके शरीर से खून नहीं रुक रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल में युवाओं को वही आपको बता दें युवकों को देखने पहुंचे जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं पे आया और हमला किया। कौन आया वहाँ पर? गुलदार आया था। अच्छा, पहले मेरे भाई पे हमला किया, फिर मैं उसे छुड़ाने के लिए आया तो मुझे पाड़ दिया। अच्छा, कितने लोग थे तुम? अजी तीन लोग। चक्कर मार रहा था ना बाग में? तीन लोग जी। अच्छा, वहाँ से क्या कर रहे थे आप? अजी बाग में आम का बाग ले रखा, उसके रखवाली के लिए। अच्छा, जगह कौन सी है वो? अजी जंगल डांडा बोलता है वो, मानक मजरे का। अच्छा, मानक मजरे का डांडा। तो किस टाइम की घटना है लगभग ये? ये बच्चे मेरे वहाँ बाग में अपने रखवालों को रहता है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं ले रखे बगीचे से, पेंटर सड़क होता है वहाँ से गुलदार आया हिमाचल से लेकर। अच्छा, उसमें दो तीन जने थे, इनको हम लग रहा है इन्हें पार पड़े जब बच्चे को मेरे। अच्छा, कितने बच्चे थे वहाँ पर उस टाइम? ये बच्चे थे तीन थे वहाँ के, पता नहीं वहाँ। अच्छा, तो आप सरकार से क्या चाहते हो? जी सरकार से ये कहना है कुछ बाग पे रखवाली के लिए गए और इनको गुलदार ने फाड़ दिया है, बहुत बुरी तरह जख्मी है। मैं चाहता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द वन विभाग सहायता करे और उनको पकड़ने की कर कर। अच्छा, ये आदमी इंसान जाते हो? सर ये खेल दे रहा है वहाँ से, लेकिन ये तो उच्च हिमालय लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख आस्था के केंद्र श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 मई से होने जा रही लोकपाल यात्रा के लिए यात्रा बेस कैंप गोविंद घाट और गोविंद धाम में स्थानीय कारोबारियों और घोड़ा कंडी डंडी संचालकों को भी यात्रा शुरू होने को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। श्री हेमकुंड साहिब धाम के प्रति गुरु आस्था और निष्ठा को आप देख सकते हैं। सेना के जवानों और ट्रस्ट के सेवादारों ने हेमकुंड सहित अटला कोटी से ऊपर धाम तक बर्फ के पहाड़ों को काटकर गुरु दरबार में माथा टेकने आने वाले संगतों के लिए पैदल रास्ते का निर्माण किया है। 20 मई को हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने के लिए पवित्र दरबार साहिब में माथा टेकने और साल की पहली अरदास में शामिल होने के लिए इस सीजन का पहला जत्था भी ऋषिकेश गुरुद्वारे से गोविंद धाम को रवाना हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 120 करोड़ की सौगात हरिद्वार को दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित इंद्रलोक फेज 2 के 9 योजनाओं का लोकार्पण और 7 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत 528 फ्लैट की चाबी
स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा लाभार्थियों को दी गई है और हरिद्वार के सुंदरीकरण और विकास के मुहिम को आगे ले जाते हुए मुख्यमंत्री ने 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड समय में 40 करोड़ से अधिक लागत में फ्लैट का निर्माण किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वह संकल्प है कि द्वारा यह संभव हो पा रहा है और हर गरीब को अपना आसियाना मिल सके। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने बताया कि इसी से फर्क जान सकते हैं कि आजादी के बाद से 8 लाख घर बने हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 सालों में अब तक 4 करोड़ मकान देश भर में गरीब जनता को दिए जा चुके हैं। आज बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहाँ की चाबी सौंपी आज आपको? हाँ जी, कहाँ की चाबी सौंपी है आपको? सामने के फ्लैट के सामने फ्लैट के। कब से चाह रहे थे कि मकान हो अपना? चाह ही रहे थे, जब था ही नहीं तो चाह ही रहे थे। इन्होंने हमारा सपना पूरा कर दिया, मोदी जी ने गरीबों का सपना पूरा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आजादी के बाद कुल बने थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।